नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे खमौरियों से छुटकारा दिलाएगी चाय पत्ती ऐसे करें इस्तेमाल के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाय सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है? जी हाँ, आप चाय को कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इसके अजब फायदों के बारे में। चेहरे के मुहासे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये अपने निशान छोड़ जाते हैं जो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। ऐसे में आप जैस्मिन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में सिर्फ जैस्मिन टी डालकर उबालें और ठंडा होने पर इसे चेहरे पर लगाएं। ये त्वचा के एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने में मदद करती है और मुंहासों के निशान से भी छुटकारा दिलाती है। आज के समय में ज्यादातर लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं, लेकिन इसके बाद वे टी बैग को फेंक देते हैं। अगर आप बेदाग और निखरा चेहरा चाहते हैं तो इसके लिए ग्रीन टी को इस्तेमाल करने के बाद फेंके नहीं बल्कि उसे खोलकर सूखने के लिए रख दें। जब ये सूख जाए तो इसका स्क्रब बनाकर यूज करें। गर्मियों में अक्सर ही लोगों को घमौरियां और धूप की वजह से रैशेस पड़ जाते हैं। ऐसे में इस्तेमाल किए हुए टी बैग को फ्रिज में रख दें और ठंडा होने पर प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। इससे खुजली भी दूर होती है। अगर आंखें सूज जाती है तो इसके लिए टी बैग का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। यूज किए गए टी बैग को कुछ मिनट के लिए आंखों पर रखने से ये समस्या दूर होती है। गर्मियों में अक्सर ही पैरों में पसीना आने लगता है, जिस वजह से उनमें से बदबू आती है। इससे निजात पाने के लिए ब्लैक टी आपकी मदद कर सकती है। ब्लैक टी बनाएं और ठंडा होने पर इसे पानी में मिला दें। अब इस पानी में पैर डुबोकर रखें। चाय में मौजूद टैनिक एसिड न सिर्फ कीटाणुओं का सफाया करते हैं बल्कि पैरों को भी साफ रखते हैं, जिससे बदबू दूर होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।